व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं पता नहीं क्यों बड़ा एक्साइटेड हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे फ्री खाना मिला है एंड हु डजंट लाइक फ्री फूड। एनीवेज, आज जो हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं, इट्स अ बर्गर व्हिच आई डिडंट नो दिस कंपनी मेड बट इट डज। तो इट्स दिस बर्गर स्टेक्स बाय CFU। आजकल बहुत हाइप चल रही है इसकी पाकिस्तान में, नो डाउट। दो ब्रांचेज हैं इनकी, आई एम प्रीटी श्योर, अगर गलत हो तो बता दो, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर दो ब्रांचेज हैं इनकी पाकिस्तान में। वन इज़ इन कराची एंड वन इज़ राइट हियर इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद वाली ब्रांच से हमें मिला है स्टेक्स बाय CFU का बर्गर। इसको ट्राई करते हैं हम लोग। मुझे नहीं पता था ये बर्गर्स बनाते हैं, आई थॉट सिर्फ स्टेक्स ही इनकी मशहूर है, लेकिन अपेरेंटली दे मेक बर्गर्स टू। तो हाँ यार, फ्री फूड को मैं मना तो कर नहीं सकता। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अच्छा, तो ये मैंने थोड़ा सा जो बर्गर है उसको मैंने माइक्रोवेव में गर्म किया, बिकॉज ठंडा हो गया हुआ था और मैं बेसिकली कैमरा को चार्ज कर रहा था और अभी भी लो बैटरी आ रही है, तो मैं जल्दी जल्दी मुकाना ये रिव्यू। बिल्कुल रेड हुई है बैटरी। एनीवेज, अब बर्गर कुछ ऐसा है हमारे पास, इसमें अब मेरे ख्याल से आई फॉरगॉट इट्स नेम, लेकिन मैं आप लोगों को स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा दूंगा कि व्हाट्स इट कॉल्ड उस। लेकिन सीन ये है कि बीफ का पैटी है, आई थिंक 300 ग्राम्स वाला है ये। 300 ग्राम्स का बीफ का पैटी है, काफ़ी बड़ा लग रहा है, देखने में बहुत मज़े का लग रहा है, लाइक नो डाउट बहुत मज़े का लग रहा है। उसके अलावा वी हैव टर्की बेकन, वी हैव कैरमलाइज्ड अनियंस, वी हैव अ लॉट ऑफ चीज़, और हाँ आई थिंक यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो अब बर्गर को हम लोग ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सीन है। मैंने एक बड़ी अजीब सी चीज़ नोटिस की है, जो बन है, बन के ऊपर सीड्स हैं, सेसमी सीड्स एक्सेट्रा। मुझे ऑनेस्टली एक्सेट्रा ऐसे ही इसलिए कहा है क्योंकि दूसरे सीड का नाम नहीं आता मुझे। एनीवेज, सीड्स के अलावा एक और टाइप की भी हमारे पास सीड्स हैं यार। लेमन वाले जो सीड्स होते हैं, आई हैव नो आइडिया क्यों, बट वो डाले हुए ऊपर। आई एम गोना रिमूव देम बिकॉज व्हाई। चलो एनीवेज, लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट बर्गर। अच्छा, कंपैरिजन विद माय हेड मैं करना भूल गया, बट हाँ, लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट एंड सी हाउ द बर्गर इज। ओके, यहाँ पे पता नहीं कोई टमाटर शमाटर डाले हुए हैं, आई डोंट लाइक टमाटर्स। टमाटर्स, ओ डैम, बड़ा बर्गर हो, मैं सही नाम रखा चैनल का, बर्गर बॉयज। सो एनीवेज, लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। टर्की बेकन, कैरामलाइज्ड अनियंस, चीज एंड अ 300 ग्राम पैटी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Oh my god, this is one of the best burgers I have ever had. Patty जो है, असल में जिस तरह burgers होते हैं ना, burgers के patty which are like medium well या इस तरह, they're not well done. बिल्कुल जो असल में patties होते हैं उस तरह के हैं ये, the ones you'll see in Gordon Ramsay के restaurants. तो उस तरह का ये burger है, and जो ये मज़ा करवा रहा है ना, तुम लोगों की सोच है यार, I can't wait to eat more of this. Holy shit, बहुत मज़े का बर्गर है यार। आई हैव नेवर टेस्टेड एनीथिंग नियरली एज गुड एज दिस यार। सेकेंड बाइट, वाओ, कैरमलाइज्ड अनियंस का जो टेस्ट आ रहा है ना, पैटी तो है ही काफी मज़े का, उसके अलावा जो कैरामलाइज्ड अनियंस का टेस्ट है और साथ जो उनका चीज मेल्टेड है यार, होली शिट, दिस इज रियली नाइस। एंड लाइक आई डोंट नो बर्गर में क्यों डाली हुई रेड चिली, लेकिन मैं डरपोक नहीं हूं, मैं ये खाऊंगा, सही है ना। रेड चिली मैं खा के दिखाऊंगा तुम लोगों को, सही है ना। आई विल टेक वन फॉर द टीम। हियर इट गोस। ओ द रेड चिली, इंस्टेंटली मिर्चें लगी हैं, ओ माय गॉड, बट लो की टेस्ट अच्छा था यार। वो जो मिर्चें आई हैं ना रेड चिली के साथ, मजा आया उसका यार। अच्छा, तो जो पैटी है उसका सीन ये है कि इट्स वेरी बिग, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ यू आर ईटिंग लाइक 3 patties एट वंस। मुंह भी बहुत ज्यादा खोलना पड़ता है, और जब आप च्यू कर रहे होते हैं ना, तब आपको स्पेशली पता चलता है कि होली शिट, बहुत बड़ा बर्गर है यार ये तो।
अच्छा बर्गर में मशरूम्स भी हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मशरूम्स भी आ गए हैं, मशरूम के साथ भी अब हम लोग एक बाइट। तो यार बेसिकली इफ़ आई एक्सप्लेन द टेस्ट, जो कि मैंने कैफे रस्टिक का बर्गर खाया था ना, द 1700 रुपीज़ वाला इस्लाम का सबसे महंगा बर्गर, दिस इज़ दैट बट ऑन अनदर लेवल। उनका भी आई थिंक क्लोज था, उनका बीफ पैटी जो था इट वॉज क्लोज टू दिस, टेस्ट काफ़ी सिमिलर था, बट दिस इज मतलब ये तो कहते हैं ना कि ये लीग से बाहर है पैटी, तो हाँ ये पैटी जो है ये लीग से बाहर है उनकी। बट अगर आप लोग नॉर्मल कोई फास्ट फूड चेन्स पे जाओ, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, या फिर लोकल पे चले जाओ लाइक चारग्रिल सेंट्रल जो मुझे बहुत पसंद है, देयर बीफ पैटी इज़ गोना बी डिफरेंट, काफ़ी डिफरेंट। इसमें आपको जो सीजनिंग का टेस्ट आ रहा है इट्स वेरी डिफरेंट, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, लेकिन जो एक मैकडोनल्ड जब आप सोचते हो ना तो आपके दिमाग में एक टेस्ट आता है, वो वाला टेस्ट आपको नहीं आएगा। इट्स लाइक यूर ईटिंग अ स्टेक, इट्स लाइक यूर ईटिंग अ स्टेक बर्गर, जो कि स्टेक है बहुत ज़्यादा मज़े की, आप सोचो कि आपने उस स्टेक को एक बर्गर के अंदर डाल दिया और आप अब वो खा रहे हो, तो बहुत डिफरेंट सा टेस्ट है, बट दैट्स हाउ बर्गर्स एक्चुअली आर। लेकिन अच्छे रेस्टोरेंट्स में ऐसे ही बर्गर्स होते हैं। गॉर्डन रैमजे की भाई वीडियोज़ देखता है, ठीक है ना, आई नो अलॉट अबाउट फूड, तो हाँ गॉर्डन रैमजे, अगर आपने गॉर्डन रैमजे लेवल वाले बर्गर खाने हैं तो दिस इज इट, दैट्स डिलीशियस। अच्छा तो यार ओवरऑल द बर्गर वाज रियली गुड। एक चीज जो मैंने नोट की है स्टेक्स बाय सीएफयू की, उनकी चाहे स्टेक्स हों, स्टेक मैंने खुद ट्राई तो नहीं की हुई बट रिव्यूज देखे हुए कुछ, चाहे उनकी स्टेक्स हों या उनके बर्गर हो, बर्गर तो एक्सपीरियंस कर लिया हमने, मेरे ख्याल से उनका यही मोटो है कि सिंपलिसिटी इज की, दे डोंट गो ओवरकिल एट ऑल। बहुत सारे आप लोग आजकल कैफेज वगैरह देखोगे, दे गो ओवरकिल, एंड व्हेन आई से ओवरकिल दे'ल हैव फ्लेमिंग हॉट चीटोज और अनियन रिंग्स और इतने इतने बड़े बर्गर्स यार, बट एट द एंड ऑफ द डे उनका वो देखने में वो विजुअली अपीलिंग ऑफकोर्स होते हैं, लेकिन वो फिर उनकी चस नहीं आती, सही है ना, समझ रहे हो आप लोग बात। इस बर्गर की चस बड़ी है यार। ऑल्सो शुरू में मैं ये कह रहा था कि जो बन है उसके ऊपर वो लेमन की भी सीड्स डाले हुए हैं और पता नहीं कौन कौन से सीड्स डाले हुए हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं आते थे, सेसमी सीड मुझे पता है बस, ठीक है ना, वो काले काले कलौंजी वाले। अच्छा एनीवेज, तो हाँ मैं सोच रहा था कि मैं उनको रिमूव करूंगा बिकॉज हु पुट्स लेमन सीड्स ऑन अ बन, बट मैं एक्चुअली भूल गया था उनको रिमूव करना और वो मैं खा गया जब एंड में एक बाइट रह गई थी ना लास्ट वाली, मैंने कहा वो डैम यार ये तो मैं भूल ही गया था लेमन की सीड्स हटाना, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दो कि इट डजेंट मेक दैट बिग ऑफ एन इशू, मुझे तो पता भी नहीं लगा कि मैंने खा क्या रहा था कि बर्गर के अंदर इतनी मज़े मज़े की चीज़ें थी। अच्छा हाँ तो एनीवेज टू सम इट अप, I would recommend this burger to you. Overall, मैं rating इसको 9 out of 10 दे सकता हूँ। तो yeah, I think that's it for the video. If you guys liked it, make sure to drop a like और जाओ जाके subscribe ज़रूर करो please. It helps a lot. जब subscribers ज़्यादा जा रहे होते हैं ना तो मेरे दिमाग में आ रहा होता है कि अब पैसे आएंगे कभी ना कभी। Go subscribe, guys. बोल रहा हूँ मैं।